दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से मैं आ गया ग्रामीण अंचल में। और मैं बता दूं कि महरूपुर मोहम्मदाबाद गाजीपुर उत्तर प्रदेश का ये ग्रामीण इलाका है, आप देख सकते हैं। लेकिन अदृश्य कभी कभी लगता है ना कि पुरानी चीज़ों को देख लेना अपने आप में बड़ा सौभाग्य हो जाता है। आप देख सकते हैं, ये कम से कम यहाँ के लोगों से मैंने जांच पड़ताल किया है तो यहाँ के लोगों ने बताया है कि कम से कम 150-200 पुरानी ये बरगद का पेड़ है, गजब का पेड़ है। आप देख सकते हैं कि इतनी पुरानी हो गई, ऐसे जैसे दिख रहा है कि सांप टाइप ऐसे हो गया है, लेकिन झड़ गया है। अब इससे सबसे सबसे बड़ी इसका मतलब आपको बताते हैं कि एक जड़ से हमें लग रहा है कि 8-10 पेड़ पैदा हुए हैं। ये भी आपको मतलब एक अजीब दृश्य दिखाई देने को मिलेगा। आपको मैं पहले दिखा दूँ इसकी जड़, आप देख सकते हैं। यहाँ से दिखाइए थोड़ा सा, मैं चाहूँगा कि जड़ को दिखाइए। जड़ है, जड़ को आप देख सकते हैं, इधर चारों तरफ है, जड़ का गजब है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ के लोगों से मैंने वार्तालाप किया तो यही पता चला कि बहुत पुराना, अब तक यहाँ पे कोई वीडियो भी नहीं शूट किया था, ना ही बताया था। शायद मैं भी अगर कर रहा हूँ तो मैं क्षमा भी चाहूँगा कि ऐसा मैंने किया, लेकिन दिखाना है, ज़रूरी है। मैंने दिखा, देख सकते आप कितनी बड़ी मतलब इसकी जड़ है, जड़ आप देख सकते हैं चारों तरफ आप, और इधर देख सकते हैं काटा गया है, उधर जाता तो पंगा हो जाता है। एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं बता दूं, अक्सर देखा जाता है, एक लोग बताते हैं कि ब्रह्मा जी का स्थान है, ब्रह्म जी का, तो स्थान पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा चीज़ दिखाई दिया कि भैया देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है यहाँ वो झाई सुखाई करना मना है, 10,000 रुपया जुर्माना है, 6 माह की जेल है। अब हकीकत अगर बताया जाए तो गाँव में अक्सर अगर वो झाई सुखाई ना हो तो मंदिर मंदिर नहीं रह जाता है, लेकिन इस मंदिर में पहली बार देखा हूँ कि लिखा गया है ओझाई सुखाई करना मना है, अगर ओझाई सुखाई करते हुए पकड़े जाते हैं तो 10,000 जुर्माना और 6 माह का जेल हो सकता है। आइए आपको लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसकी टहनियों को, क्योंकि ऊपर से टहनी जैसे आप देख सकते हैं आई है, आएगी नीचे तो जैसे ही पाएगा मतलब जमीन पे टच करेगा जैसे ही, वैसे ये पेड़ बन जाएगा। आप इधर देख सकते हैं, इधर चारों तरफ पेड़ बन चुका है, आप देख सकते हैं ये इसकी टहनी से, ये टहनी गई है, टहनी से जाके वो पेड़ बन गया है, नीचे पेड़ बन गया है। आप इधर देख सकते हैं वो पेड़, उधर देख सकते हैं तो टहल सकता है भैया। गांव में अक्सर अगर देखा जाए तो सुनसान एरिया एकदम, इधर कोई दिख नहीं रहा है, आप देख सकते, कोसों दूर अगर देखेंगे कोई दिख नहीं रहा है। और मैं चला आया, अब ऐसा ही था, आप देख सकते हैं। आगे मैं दिखाऊंगा, इधर बाबा जी का मंदिर भी बनाया गया है। लोग अपनी जो भी है जैसे भी है उनके प्रति जो लगाव होगा जैसे होगा पूजा अर्चना लोग करते हैं। बताया गया श्री ब्रह्मा बाबा के चरणों में मेरा सादर समर्पित है, सौजन श्रीमती राजकुमारी अधर पत्नी कृपया शंकर श्रीवास्तव जी, यह है जबलीगंज बलिया के कर कमलों द्वारा इसको बना, देख सकते हैं चारों तरफ उधर निगोटा सिगोटा सब बांधा गया है, जैसे ऐसे है कपड़ा हर जगह लपेटा गया है, मंदिर की सुरक्षा की गई है, अच्छा भी है। लोगों का जो लगाव होता है भगवान के प्रति एक लगाव होता है उसको होना भी चाहिए। आप देख सकते हैं इधर बहुत दूर दूर से है, मतलब हर तरह का पेड़ पौधे आपको मिलेंगे, कुछ उधर भी मैं दिखाऊंगा। अब देखिए हम दादाजी आए हैं, अब दादाजी से थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ, आखिर क्यों यहाँ पे आए हैं, वजह क्या है। इतने घनघोर जंगल की तरह अगर देखें फिर भी इसमें आप अकेले बैठे, कहाँ से आए हैं आप? नंदगंज से आए हैं। नंदगंज से कौन से गाँव से आए हैं? देवसिया गांव से। दादाजी क्या आस्था लेकर आए हैं आप? आस्था लड़का एक साल भर का बीमार है उसको लेके आए हैं। अच्छा, क्या मतलब यहाँ के बारे में पहले भी सुना होगा तभी तो आए हैं? पहले सुने थे कि एक औरत आई थी यहाँ, ठीक होके गई, जबकि बनारस तक के दवाई उसको हो गई। अच्छा, मतलब किस तरह की औरत वो थी? औरत जैसे कि हाथ में सफेद हो गया था। अच्छा अच्छा, मतलब कोढ़ी जिसे लोग कह लेते हैं भैया, ऐसे होता है तो बनारस से मतलब रिफर थी वो। हाँ, और यहाँ पे आई तो सही होगी। चलिए, धन्य है ये धरती जो हमें भी आने का मौका मिला, और इस धरती को मैं नमन करता हूँ, यहाँ के बाबा को भी मैं प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करें कि आप जैसे लोग और आप भी आए हैं तो आस्था जो लेकर आए हैं। हाँ, आपकी अरमान लेके आए ना? हाँ, बाबा के यहाँ। लड़का कहाँ है आपका? लड़का कहाँ है? लड़का उधर कहीं है, मतलब आपको छोड़ के चले गए हैं, तो किस तरह से उनको क्या पंगा है? उनको ये है कि दिमागी टेंशन है और ये दिल घबराता है, टट्टी में प्रॉब्लम है, पेशाब में प्रॉब्लम है,
तो दवा नहीं कराते हैं? दवाई तो तीन तीन चार अल्ट्रासाउंड करा चुका, सीटी स्टेट करा। क्या लिखता है उसमें, क्या आता है? कुछ भी नहीं मिलता है उसमें, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसे परेशान रहते हैं। डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर बोला कि इनको कुछ नहीं है, नॉर्मल सा सूजन है पेट में, उसका दवाई चलवाए वो भी ठीक हो गया। दिक्कत क्या होती है उनको ज्यादातर? दिक्कत एकांत करने पेशाब वाली रास्ता जो है फटने लगती है, टट्टी वाला रास्ता भी वही गति है, फटने लगता है, यही प्रॉब्लम है। चलिए, जो आस्था लेकर आप आए हैं, हम भी चाहेंगे कि परिपूर्ण हो और आपका बच्चा भी अच्छा हो जाए, क्योंकि आपने आस्था लेकर आए, लेकिन दवा एक बार और कराइए। ठीक है, भगवान और लोग कहते हैं ना कि दवा और दुआ दोनों कर देते हैं। साल भर हो गया, 50-60 हज़ार रुपया गंवा दिए। हाँ, और क्या, 22 साल का। नंदगंज में एक स्वराज बाबा भी है, वहाँ पर भी गए थे। स्वराज बाबा भी गए, वहाँ भी नहीं कोई फुर्सत मिली। अच्छा, हाँ, वहाँ तो बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं, लेकिन अब बाबा का नाम सुन के अरमान लेके आए हैं, देखो बाबा क्या करते हैं। अच्छा, नाम सुन के आए हैं। हाँ, यही लड़का आ रहा है आपका? हाँ हाँ। चलिए भैया, आप देख सकते हैं इनका लड़का है, और जैसे भी है, मैं किसी को टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं इनके लड़के हैं और इनकी अवस्थाएँ हैं, इनसे अब मैं ज़्यादा मतलब बात भी नहीं करना चाहूँगा। भगवान इनको लंबी उम्र दे और अच्छा करे, मैं तो यही चाहूँगा। लेकिन दानियों को मैं दिखाता हूँ आपको, चूँकि वहाँ पर लिखा गया था, लेकिन लिखे को लोग माने या ना माने अलग बात है, लेकिन भगवान की जो हकीकत वास्तविकता या प्राकृतिक, मैं प्राकृतिक अगर देखा जाए तो प्राकृतिक का सीधे गोद है, प्राकृतिक है। आप देख सकते हैं, अक्सर होता है कि एक से, जैसे इंसान जब पैदा होता है तो 1 से 11 हो जाता है, लेकिन इस पेड़ से 200 वर्ष में न जाने कितने पेड़ पैदा हुए, पता नहीं, लगाया गया था ये पेड़, ऐसे ही लगा हो गया। देख सकते हैं आप, टहनियाँ इसकी टूट चुकी है, आप देख सकते हैं, या मेरा है लेकिन ये टहनियाँ टूट चुकी है। अंदर इसके क्या है आप देख सकते हैं, अंदर खोखला हो गया है, पूरा हाथ नहीं डाल सकते हैं शायद, जो भी है जैसे, लेकिन खोखला हो गया है, बढ़िया से खोखला हो गया है। इधर आप देख सकते हैं गजब का है, इधर भी है टहनियाँ एकदम, आप देख सकते हैं कि जैसे चलनी अगर टूट जाए तो ऐसे है, जो भी है आस्था लोग लेकर आते हैं, ऐसे आप देख सकते हैं चाला गया है, ऐसे जैसे लग रहा है कि मतलब इसको चाल दिया गया है, इस तरह से यूँ दिख रहा है। चारों तरफ आप दिखाएंगे जैसे इसको कीड़ा ने, एक एक कीड़ा ने चाल दिया है, आप देख सकते हैं कीड़ा जो भी है जैसे भी लगा हो चाल दिया गया है। लेकिन जैसे भी आस्था जो भी है लोगों की इस मंदिर के प्रति, जैसे यहाँ का रुझान क्या है अब बता ही रहे हैं कि यहाँ पे आने के बाद अच्छे हो जाते हैं, तो भगवान करें सभी लोग अच्छे हैं। आज मुझे दिखाने का मौका मिला आपको, और इधर दिखाते हैं टहनियाँ क्या हैं कैसे हैं, क्योंकि बहुत काफ़ी है गाँव में आने के बाद। आप देख सकते हैं लोग आस्था में जो भी है जैसे भी किए हैं, आज भी आस्था वैसे ही पनप रही है जैसे बहुत पहले पनपती थी, आज भी जो भी है जो आस्था है लोगों के बीच में है, और लोग आते भी हैं, मनोकामना लेके आते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं, ऐसे है। आप देख सकते हैं चारों तरफ टहनियाँ आज भी वैसे ही लगी हुई है जैसे कि पहले, आप समझ सकते हैं 100-200 लोग बात, लगभग 200 पुरानी है, ये टहनियों से गिर गिर के आके पेड़ बन गया है। लेकिन पेड़ के साथ आइए थोड़ा सा, आप देख सकते हैं जो भी है आस्था, डर तो मुझे भी लग रहा है, हालांकि ऐसा मैं मंजर पहले नहीं देखा था ना दिखाया था, लेकिन अब मैं आज दिखा रहा हूँ, हालांकि डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन दिखाने के उपरांत अब अंदर आपके आइए थोड़ा सा अंदर मैं दिखाता हूँ। इधर देख सकते हैं टहनियों के बीच में मैं आ गया हूँ, इधर कितनी घनघोर है, ऐसे शाखाएँ जो देख रहे हैं, यही शाखा ऐसे टच करेगी, जैसे ज़मीन में टच करेगी तुरंत क्या होता है कि पेड़ बन जाएगा, ऐसे शाखा है। भैया मैं भी जा रहा हूँ, देख रहा हूँ ये क्या है कैसे है, क्योंकि अब सही कर रहा हूँ कि गलत, लेकिन जो भी है मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इधर आप देख सकते हैं ये टहनियों का मतलब टहनियाँ कितना हो, लोग कहते हैं ना कि कितना हो सड़ जाएगी गल जाएगी, लेकिन अपनी शाखा को कभी भूल नहीं सकती है, यहाँ तक आया है। आप देख सकते हैं यहाँ तक आके अपनी टहनियों को पूर्ण रूप से यहाँ पर भी इन्होंने जमा दिया है। इधर काफ़ी मतलब है, जैसे भी है लोगों के प्रति श्रद्धा था, भगवान के प्रति श्रद्धा था, तो लोग आते हैं, बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा हैं, जैसे भी हैं, और इनकी आस्था को दूर दूर से लोग जानते हैं, सुनते हैं, तभी लेकर चले आते हैं और आते भी हैं, तो लोग बताने वाले बता ही भी रहे हैं, आपने देखा कि आते हैं लोग, तो इनकी आस्था पे जो भी होती है मनोकामना पूर्ण भी किया जाता है। इधर से जाओ इधर से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आज दिखाया मैं रहा अपने ही
डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, गाजीपुर का मोहम्मदाबाद है, मोहम्मदाबाद तहसील से 2-3 किलोमीटर आगे अगर आएंगे तो महरूपुर आपको दिख जाएगा। महरूपुर में घनाघोर एक बरगद रहा, बरगद का दृश्य रहा कि बहुत काफ़ी पुराना रहा, 100-200 पुराना देखने को मिला। देखने के साथ साथ मैंने दिखाया भी आपको, आज भी आप देख सकते हैं इधर भी लगा हुआ है, टहनी बहुत काफ़ी लगी हुई है और बाबा की महिमा परंपार है, हम उसमें टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी है जैसे आस्था आप देख सकते हैं लोगों के प्रति आस्था थी। और कूड़ा कचरा भी है लेकिन इसको साफ़ कर देना चाहिए, आप देख सकते हैं यही है मेन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूं आपका अपना जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।